हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कौन कौन से फूड स्टफ्स या कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए बुरे हैं, कौन कौन से फल और सब्जियां हैं जो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए बुरे हैं। वैसे ज़्यादातर तो फल सब्जियाँ उतना ज़्यादा बुरा नहीं करती, लेकिन जो भी चीज़ों में अगर शुगर कंटेंट ज़्यादा है, वो फल और सब्जियाँ अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए नुकसान करती है। आज हम टॉपिक में बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को कौन कौन सी फल सब्जियां नहीं लेनी चाहिए। हमने ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल से बारे में काफ़ी वीडियोस किए हैं जो कि आप मेरे डिस्क्लिपीडीमिया के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने इस पर भी वीडियो किए कि कौन कौन से फल और सब्जी कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को लेने चाहिए। आज हम बात करेंगे कौन कौन से फल सब्जी उनको नहीं लेने चाहिए, उनके क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, उस बारे में डिस्कस करेंगे ताकि कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स उसको ज़्यादा मात्रा में लेना अवॉइड करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। सबसे पहले कि कोई भी फ्रूट जिसमें या कोई भी फल है जिसमें एडेड शुगर अगर डाला गया है, चाहे कोई फ्रूट से बना हुआ जूस है या फ्रूट से बना हुआ सिरप है या फ्रूट का कोई भी इस तरह का स्मूदी है, ड्रिंक है, जिसमें अगर ऊपर से शुगर डाला गया है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा मात्रा में शुगर लेते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बॉडी ये सारा शुगर को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करती है आपके बॉडी के अंदर। तो इसलिए जो लोग का ये मानना होता है कि हम वेजिटेरियन चीज़ें ले रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि किसी भी वेजिटेरियन चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, उनका कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली गलत है। क्योंकि बॉडी ऑलमोस्ट 70% कोलेस्ट्रॉल जो बनाती है वो लीवर के अंदर ही बनाती है, और बाहर से जो एक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले तत्व हैं जैसे कि शुगर है, फ्री फैटी एसिड्स है या ऑयल्स है, अगर ये किसी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स है किसी फॉर्म में जाएगा तो बॉडी उसको फैट्स में कन्वर्ट कर लेती है, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर लेती है। तो कोई भी चीज़ जिसमें फ्रूट्स या जिसमें जूसेस हैं, सिरप्स हैं, टॉनिक्स हैं, जिसमें अगर आपने ऊपर से शुगर डाला है तो आपको कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं जैसे कि आम है, पाइनएप्पल है और बनाना है, इसमें भी बाकी फ्रूट्स के कंपेरिजन में शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जो लोग को भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो उनको ये सारे फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए। इससे आपका वेट गेन भी होगा अगर आप ज़्यादा मात्रा में इनको लेते हैं, और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। इसके बदले बेरीज है, एप्पल है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये आप ज़्यादा प्रेफर करें तो आपको ज़्यादा हेल्दियर चॉइस मिलेगा कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स में। आम, पाइनएप्पल, बनाना को अवॉइड कीजिए। बेरीज, एप्पल और सिट्रस फ्रूट्स यानी संतरा, मौसमी, ये सारी चीज़ों को आप ज़्यादा चूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है एवोकाडो यानी एलिगेटर नाशपाती। अगर थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो इसमें हेल्दी फैट्स और ऑयल्स हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा मात्रा में अगर आप इसको लेते हैं तो उसमें कैलोरी ज़्यादा रहता है, ऑयल्स कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो आपको नुकसान करता है, तो आपका वेट गेन भी ज़्यादा होगा अगर इसको आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो। तो जो लोग को भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है थोड़े मात्रा में ही एवोकाडो लेना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग को इसमें एवोकाडो में हाई ऑक्सीलेट कंटेंट होता है, उसकी वजह से किडनी की पथरी होने का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह से बाकी नट्स, सीड्स और ऑलिव ऑयल वगैरह का भी यही है, थोड़ी मात्रा में लेंगे तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से फ़ायदा करते हैं, ज़्यादा मात्रा में आप लेंगे तो सारे ऑयल्स हैं, तो किसी ना किसी तरह में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में आपका नुकसान ही करेंगे। जितना कम हो ऑयल को उतना कम मात्रा में ही ले तो अच्छा है। नेक्स्ट है कोकोनट। कोकोनट का भी यही है कि नारियल में भी काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स रहते हैं, ज़्यादा मात्रा में इसको आप लेते हैं या इसके ऑयल को आप डायरेक्टली किसी भी फॉर्म में लेते हैं, सब्जी वगैरह के फॉर्म में भी लेते हैं, या इसको कोकोनट को भी आप डायरेक्ट भी अगर खाते हैं तो भी उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंटेंट को बढ़ाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कौन कौन सी सब्जियाँ जो है वो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है। कोई भी सब्ज़ी जिसे अगर आप फ्राई कर रहे हो या कोई भी सब्ज़ी को आप फ्राइड फॉर्म में ले रहे हो वो नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें एडिशनल ऑयल चला जाता है। तो रॉ वेजिटेबल को अगर आप सादा खा रहे हो तो अच्छी बात है, ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो तो भी अगर सादा बिना तेल के खा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको तेल में डाल के फ्राई करके लेते हो, जैसे अनियन है, प्याज है, आलू है, ये सारी चीज़ों को अगर आप फ्राइज बना के खाते हो तो ये नुकसानदायक है, क्योंकि साथ में जो ऑयल जाता है वो आपका कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली बढ़ाएगा। उसके बदले आप सब्जियों को अगर बेक करें, एयर फ्राई करें, रोस्ट करें तो वो ज़्यादा हेल्दियर ऑल्टरनेटिव है कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा कॉर्न यानी मक्का, ये वैसे तो खराब वेजिटेबल नहीं है लेकिन इसमें स्टार्च कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, बॉडी में जब जाता है तो सडनली शुगर लेवल्स को बढ़ाता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो जो लोग को भी अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो उनको मक्का यानी कॉर्न को अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा एक्सेस मात्रा में खाने से ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है, काफ़ी अनहेल्दी है अगर ज़्यादा मात्रा में इसको लिया जाए तो। इसके बदले आप नॉन स्टार्ची जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे हरी साग सब्जी है, ब्रोकोली है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ये सबको ज़्यादा प्रेफर करें तो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स में वो बेटर सब्जियाँ हैं।
इसी तरह से आलू का भी यही है, पोटैटो का भी यही है कि अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें वेट गेन जल्दी होता है। इसमें आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो, खासकर अगर आप इसको डीप फ्राई कर रहे हो या ऑयल के साथ ले रहे हो तो और ज़्यादा बुरा है, पर डायरेक्ट ही भी ले रहे हो तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में ये इसका योगदान रहता है। इसी के बदले स्वीट पोटैटो को ले सकते हो, उसमें कंपेरेटिवली ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है, लेकिन वो भी उतना अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है। उसमें फाइबर और न्यूट्रिएंट्स कंटेंट भी बेटर रहता है, लेकिन वो उतना अच्छा परफेक्ट ऑल्टरनेटिव नहीं है। उसमें भी आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा तो बढ़ेगा अगर ज़्यादा मात्रा में आप लेते हैं। आलू से बेटर है, पर बाकी सब्जियों से उतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है कोई भी कैंड वेजिटेबल्स है या प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स है जिसको पैक किया जाता है, तो ये सारी चीज़ों में प्रोसेसिंग ज़्यादा की जाती है, इसमें फाइबर कंटेंट कम होता है ताज़ी फल सब्जियों के बदले। आप जहाँ तक पॉसिबल हो ताज़ी फल सब्जियाँ अगर ज़्यादा लेते हैं या बिना शुगर या प्रिजर्वेटिव डाली हुई सब्जियाँ ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा हेल्दी ऑल्टरनेटिव है एज़ कम्पेयर टू वो फल सब्जियाँ जो कैन हो के टिनों में पैक होकर आती है। अब कोई कोई इन्वायरमेंट्स या कोई कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ सब्जियाँ अवेलेबल नहीं होती है, तो वहाँ लोगों के पास चॉइस नहीं होता, इसको खाना पड़ता है। पर जहाँ पर भी अगर अवेलेबल है तो वहाँ पर आप ताज़ा फल सब्जी लें तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रूट्स का भी जहाँ तक सवाल है, अगर आप फ्रूट से बने हुए अगर स्मूदीज़ वगैरह लेते हैं या ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो मिल्क कंटेंट जाता है उसमें फ़ैट रहता है, उसके साथ जो ऑयल जाता है उसमें फ़ैट कंटेंट रहता है, तो वो आप उसको अनहेल्दी फॉर्म कर देते हो। तो अगर फ्रूट को आप डायरेक्ट ले रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है, फ्रूट जूसेस में ऊपर से शुगर डाल रहे हो तो नुकसानदायक है। स्मूदीज़ या ड्रिंक्स वगैरह आप ले रहे हो उसमें अगर आप दूध डाल रहे हो, शुगर ऊपर से डाल रहे हो, तो वो नुकसानदायक है। आपका शुगर लेवल कोलेस्ट्रॉल लेवल दोनों उससे बढ़ेगा। आप उसको ताज़ा फल सब्जी ले सकते हैं, और अगर आप उसको ब्लेंड करना भी है तो लो फैट योगर्ट के साथ कर सकते हैं या लो फैट फ्री स्किम मिल्क के साथ कर सकते हो तो अच्छा है। आप हाई फैट मिल्क लेते हो तो स्मूदी आपको नुकसान करेगा। इसके अलावा सलाद वैसे तो अच्छी चीज़ है, अलग अलग तरह के आप सलाद लेते हो तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन कई बार अगर आप उसमें ड्रेसिंग में बहुत ज़्यादा ऑयल्स अगर यूज़ करते हो, वैसे तो ऑलिव ऑयल अच्छी चीज़ है लेकिन आप ज़्यादा मात्रा में अगर ऑलिव ऑयल यूज़ करते हो तो वैसे वो भी ऑयली है तो नुकसान ही करेगा। थोड़े मात्रा में आप लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप उसके बदले सैलड्स वगैरह में विनेगर या लेमन जूस या स्पाइसेस डाल सकते हैं आप, वो ज़्यादा हेल्दी ऑल्टरनेटिव है कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए एज़ कम्पेयर टू ड्रेसिंग करने के लिए या ब्रंच वगैरह में जो लोग सैलड्स के ऊपर ऑलिव ऑयल ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, अलग अलग तरह के ऑयल्स डालते हैं, तो वैसे सैलड ड्रेसिंग्स भी वैसे तो सब्जियों अच्छे फ़ायदा करती हैं लेकिन ये नुकसान करती हैं। एवोकाडो का भी यही है, वैसे तो ये लो मात्रा में लेते हैं तो अच्छा है, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा है तो नुकसानदायक है। इसके बदले आप बेरीज, सिट्रस फ्रूट, हरी साग सब्जी, ब्रोकोली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इस तरह की चीज़ें लें तो ज़्यादा अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स का भी यही है, ड्राई फ्रूट्स को भी आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है। थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो उसमें फाइबर कंटेंट अच्छा रहता है, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, वेट गेन ज़्यादा कराता है। इसके बदले आप ताज़ा फल जैसे एप्पल है, बेरीज है, सिट्रस फ्रूट्स या लो शुगर वाले फ्रूट्स लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। फ्रूट जूसेस का भी यही है कि अलग अलग फ्रूट्स का आप डायरेक्ट अगर फ्रूट को लेते हो तो ज़्यादा हेल्दी है। फ्रूट जूसेस बनाने के लिए ऊपर से अगर शुगर उसमें डलता है तो वो नुकसानदायक है, फाइबर कंटेंट उसका चला जाता है, शुगर कंटेंट या सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंटेंट उसका बढ़ जाता है। तो फ्रूट्स के कंपेरिजन में फ्रूट जूसेस आपके लिए उतना फ़ायदा नहीं करते, रादर नुकसानदायक होते हैं। आप उनको टेस्ट के लिए ले सकते हो लेकिन हेल्थ के लिए वो उतने अच्छे ऑल्टरनेटिव्स नहीं माने जाते। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से फल सब्जियां हैं जो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए जहां तक पॉसिबल है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग हमारे चैनल पर बहुत डिटेल कंटेंट नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पर हम यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट समरी हम आपको देते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं और सोशल मीडिया ग्रुप्स में फ्रेंड्स फैमिली के साथ उसे शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल पर कंटेंट ढूंढने में दिक्कत नहीं हो इसलिए हम रेगुलर बेस पर यूट्यूब के सारे टॉपिक्स को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। अलग अलग प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे, उसके लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट और यूजफुल कंटेंट मिलेगा। जिस भी टॉपिक पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिंक को क्लिक करिए तो आपको ज़्यादा यूजफुल कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।